सपाइयों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा, किया प्रदर्शन। बीते दिनों बीएचयू की छात्रा के साथ हुए रेप मामले में किया प्रदर्शन, आरोपियों में भाजपा कार्यकर्ता के शामिल होने की कही बात। आरोपियों पर कार्यवाही करने की जगह छात्राओं पर ही दर्ज किया जा रहा मुकदमा, भाजपा आरोपियों को बचाने में जुटी। भाजपा सरकार में माफियों को मिल रहा बढ़ावा, कानून व्यवस्था है फेल। आरोपी भाजपा से जुड़े होने के कारण अभी तक थे कानूनी शिकंजे से दूर। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग। सपा की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। मेरा नाम अर्चना सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी महिला सभा जिलाध्यक्ष। अच्छा, किस तरह की मांगों को लेकर जिलाधिकारी ज्ञापन दिया? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के निर्देश पे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा रिभु श्रीवास्तव जी के निर्देश पे बीएचयू में जो बच्चियों के साथ दुराचार हुआ है उन दोषियों को सजा अभी तक नहीं मिली। 2 महीना हो गया और अब FIR हुआ है, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही उन पर। उन्हीं को लेकर के हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल एक बात कही थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा गैंगरेप किया गया है, क्या ऐसी बात है कि नेताओं के साथ? बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी सबकी फोटो पाई गई है, जो माने मोदी जी के साथ भी है, योगी जी के साथ भी है और स्मृति ईरानी के साथ है। इन लोगों को सबको संरक्षण मिला हुआ है। वहीं बीएचयू को छात्रों के ऊपर दर्ज किया गया मुकदमा, क्या बाहरी है कि वहीं के हैं? ये सब वहीं के हैं, बनारस के हैं और बीजेपी के सब कार्यकर्ता हैं। इसी वजह से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है और मैं महामहिम राज्यपाल जो एक महिला है उनसे निवेदन करती हूँ कि इन बच्चियों को न्याय मिले और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और इनके घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए।